इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4th टेस्ट डे 3 सेशन सेकंड में शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर। बात के लिए शुभमन गिल 65 रन बना खेल रहे थे और चेतेश्वर पुजारा 24 रन बनाकर। चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने फिर से एक अच्छा स्टार्ट किया इस सेशन का, बढ़िया बैटिंग कर रहे थे दोनों। चेतेश्वर पुजारा भी काफ़ी अच्छे टच में लग रहे थे और शुभमन गिल सुबह से काफ़ी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। बैटिंग पिच है पर दोनों बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। इंडियन एक अच्छी स्थिति में है इंडिया और अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही है। इंडिया के लिए दोनों बैटर्स बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, बीच बीच में अपने शॉट्स भी खेल रहे हैं और काफ़ी धैर्य और संयम के साथ बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैटर्स। पुजारा भी काफ़ी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं और शुभमन गिल भी काफ़ी बढ़िया रंग में नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल कमाल की बैटिंग शुभमन गिल के द्वारा अभी तक देखने को मिली है। शुभमन गिल के कुछ शॉट्स देखिए आप, बहुत ही बढ़िया बैटिंग शुभमन गिल ने की आज। शुभमन गिल ने चेतेश्वर पुजारा ने भी उनका काफ़ी अच्छा साथ दिया और एक अच्छी साझेदारी हुई। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शुभमन गिल और पुजारा के बीच। शुभमन गिल अपने शतक की ओर बढ़ते हैं। शुभमन गिल अपने शतक की ओर बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे शॉट लगा रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा काफ़ी बढ़िया बन रहे हैं और काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं। ये सेशन इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा जाता हुआ और शुभमन गिल अपने शतक की तरफ बढ़ते हुए शुभमन गिल शॉट के निशान में आते आते ये अपील हुई जोरदार और मल्टी की बॉल पर चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए। बहुत ही बढ़िया अपील और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। चेतेश्वर पुजारा ने रिव्यू किया, चेतेश्वर पुजारा का रिव्यू ये बॉल सीधा पैर पर लगी, अंपायर ने ये बॉल सीधा पैर पर लगी और ये बॉल चलते हैं पिचिंग इन लाइन इम्पैक्ट इन लाइन और विकेट्स बात का रिव्यू किया और चेतेश्वर पुजारा आउट ही रहे। पुजारा के आउट होने के बाद क्रीज पर विराट कोहली, इससे पहले ज़्यादा समय नहीं बचा था, विराट कोहली क्रीज पर रहे। अभी तक चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल खेल रहे हैं और इंडिया अब एक दूसरी स्थिति में जा रही है। 2 विकेट हारने को है अभी तक। आज का स्कोर 188 पर 2 विकेट। इस सेशन में